भाई साहब राम 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 भाई शूट डाल रहा है भाई साहब 5 मिनट का टाइम ले भाई देख सेकंड प्लीज प्लीज आवाज को लेके ट्रोलिंग हो कभी बहुत सारे बोल देते हैं भाई कैसी आवाज है मैंने कहा बहुत प्यारी आवाज है मेरे को फर्क नहीं पड़ता आवाज से यार मेरे को अपने आप से प्यार है मेरी आवाज से प्यार है मुझे बाहर वाले कुछ बोले तो कोई टारगेट दे दे भाई एक दिन 50 स्क्रिप्ट लिखने लिख दोगे क्लियर कर दो भाई उनकी सोच गलत है सही है भाई लोगों का तो काम है बोलने का यार लड़कियां मत जाओ जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा अब हाथ पकड़ के मत लेके नहीं आऊंगा क्यों भगवान की जैसे सब है लोग आते भी है जाते भी है हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है साय दर्शकन सुमित लाल की ओर से राम राम तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई सोनीपत में मेरे पीछे देखने लग रहा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सोनीपत में है और भाई सब एक चेहरा है सोनीपत में सब आप जानते होंगे प्रिंस वर्मा सब जानो भाई बहुत टैलेंटेड है वीडियो क्रिएटर है आज उनसे मिलावेंगे अपने भाई सारी जर्नी पूछते बारे में पूछेंगे उनकी कैसे स्टार्ट करी और भाई कैसे एक बंदा करोड़पति था और करोड़पति बनया करोड़पति बहुत बड़ी बात है रोड पे नीचा था भाई नीचे बैठ के रोटी खा कर दस सारी पूछांगे आप देख सको भाई भाई शूटिंग चल रही है कुछ और गाड़ी की आवाज देख लो भाई कुकर धूं धूं झोटा घोड़ा भाई पूछांगे भाई कैसे स्टार्टिंग है गाड़ी का दिख रहा है क्या जय श्री राम नंबर देख लो भाई कुकर झोटा घोड़ा लग रहा है गाड़िया का धूं धूं की आवाज तो सुन लग रहा तो देख लो भाई गाड़ी का चले गाड़ी भाई साहब राम 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 भाई शूट डाल रहा है भाई साहब 5 मिनट का टाइम ले भाई देख सेकंड प्लीज प्लीज ला ला कह दे भाई बाउंसर है गाड़ी देख लो भाई पोर्स कितना की है मतलब ईरानी मतलब देखी पहली बार देखी और कौन बैठे भीतर प्रिंस वर्मा भाई देख सको आप जाने माने बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर है भाई भारत के तो भाई सब राम 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 मेरे भाई राम राम और ठीक ठाक हो सब राजी दुआ करी गाड़ी तो प्राण खड़िया हूँ दौरा खड़िया रहूँ कदम संग्रह चला ऊपर बैठ जाए गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है आपकी भाई बोनट तगड़ा होगा कदे हाँ लो है तगड़ा है ठोस लो है टाटा का लो टाटा और भाई सब मैं ठीक ठाक हो सब राजी भाई बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की आज पूरी हुई है बस हमारी भी इच्छा थी आपसे मिलने की देखिए आपके इंटरव्यू अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब राम 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 भाई राम ओ भाई साहब ठीक ठाक हो सब बढ़िया भाई भाई जी राम 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 भाई राम ठीक ठाक हो बढ़िया भाई अंकित भाई राम 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 भाई बिल्कुल सेहत तो ठीक ठाक हो हाँ भाई कति मौज में तो भाई जी कई की इच्छा भाई जो करमा आया हूँ मेरे तक कई और की इच्छा मिलने की आपसे कहा मिले लोकेशन बता दे एग्जैक्ट भाई 24 घंटे बंदा आ जाए हमारे मिलूंगा भाई सोनीपत में आके मैसेज कर दियो जो भाई मिलना चाहे सोनीपत तो भाई जी बहुत बड़ा है मैसेज करेंगे ना फिर बताऊंगा ना एड्रेस ऐसे एड्रेस दूंगा तो भाई बंदे घर आओगे मैं घर नहीं मिला फिर बुरा लगेगा यार बंदा दूर था होगा फिर मैं नहीं मिला तो भाई उसके लिए सॉरी भाई एड्रेस वो तो ऐसे भी हो सकता है अगर दूर था आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे भाई जिसका हो पाया उसका तो पक्का करेंगे देखो मैसेज देखने का टाइम नहीं मिलता यार बहुत सारे मैसेज आवे जो भी मैसेज करो नीचे दब जाए तो इस वजह से लड़का लड़की अंकल आंटी ओए आओ भाई सबका वेलकम है अपने यहाँ सब भाईचारा बना के रखा हमने भाई 24 घंटे रखेंगे तो भाई जी ऑन कैमरा सब देखो ऑफ कैमरा जानेंगे आपकी जिंदगी का बारे में कितने पढ़ रहे हो फैमिली में कौन कौन है फैमिली में कौन कौन है फैमिली में सारे हैं बस माँ बाप नहीं है अच्छा वो तो वही स्वर्ग में नरक में हाँ नरक में नहीं स्वर्ग में नहीं कया करने दिया ना भाई हम नरक में स्वर्ग में कितने साल हो गए माता पिता ने भाई मम्मी एक्सपायर हुई थी 2010 में और पापा हुए थे 12 में ऐसे बीमारी की वजह था या भाई कोई ऐसे कोई बीमारी हुई थी घर के हालात नहीं थे जो इलाज करा सके उनका ऐसे कहने की बातें होती है जिसका जितना टाइम है धरती में उनका काटेगा तो कितनी याद आती है मम्मी होती तो यार क्या कितनी खुशी होती है भैया तो बहुत आवे उस्ताद माँ बाप होते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं आज देख के कभी अकेले बैठ के रोए यार मम्मी होनी थी यार पापा होना था यार जिंदगी में कभी कभी हो जाए फील के माँ बाप भी जरूरी है नहीं भाई जी आपके पास आजकल सब कुछ होगा 1.5 करोड़ गाड़ी माँ बाप की कमी पूरी हुई वहां तो कोई भी नहीं कर सकता भाई देखो माँ बाप तो भगवान है अरे भगवान थे जिंदगी में मतलब कहा सारे रिश्ते बन जाए भाई ने कहा कभी बेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिले भाई मैं तो ये कहूंगा जिसके भाई माँ बाप है अपने माँ बाप की इज्जत करो उनकी केयर करो भाई क्योंकि माँ बाप से ऊपर ना धरती पे कुछ नहीं है अगर तुम उनकी सेवा करोगे ना भाई लाइफ में बहुत सक्सेस पाओगे हाँ तो कितने पढ़ रहे हो आप मैं भाई 8 पढ़ रहा हूँ रियलिटी है हाँ रियलिटी भाई सोनीपत से या कई बार से रहूँ सोनीपत वो बचपन से 4 साल का था गांव में आ गया था वैसे मैं चुलकाने से हूँ श्याम बाबा का धाम भी है वहाँ लोगों को पता भी होगा वहाँ से हूँ भाई मैं तहसील संभाला था अपनी तो आप कितने पढ़ रहे भाई जी भाई डिप्लोमा कर रखे हैं सारे ग्रेजुएट हैं आप तो आप भी भाई डिप्लोमा कर रखा भाई मिल नहीं रहा कड़ा पड़ा हो मैं साउथ पॉइंट कॉलेज में था भाई जब 1.5 साल कर रहा था मतलब 3 साल का था 1.5 साल में छोड़ दिया था आधे में वो आधा लिया अंदर पे जा पैडी आधा दिया तो कोने भाई अच्छा रख रहे और अपने भाई जी डिग्री करके भाई बोलो कुश्ती कास्ती कबड्डी कबड्डी के खेलिया करो कुछ ना खेलते भाई तो नहीं प्रिंस भाई के सो मत जानो भाई ने काले कुर्ते पर आ गए ना ना बॉडीगार्ड है
वो तो इच्छा भाई जो पैर का चला उसमें लेके चलते, बॉडी गार्ड का कोई शौक नहीं अपने, जिसे है सिंपल है इसी हम सब जगह चले जाओ। यहाँ सब ना आपके का भाई यूट्यूबर है, आप क्या मानते यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या सिंपल बंदा? मैं मतलब कुछ ना को बस प्रिंस हूं मैं तो। मैं सिंपल बंदा हूं भाई, ना यूट्यूबर भी सहता आज भी सही हूं, ना मैं यूट्यूबर ना मैं क्रिएटर, अपना टाइम पास कर रहे हैं, दो रोटी कमा रहे हैं, लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं, बस यही है अपना तो भाई। नहीं देखा भाई बंदे लाख होंगे चेंज है, चेंज क्यों नहीं आप में भाई? हाँ की कमी रहेगी भाई, मतलब चेंज नहीं कर रहा, कमी मानो या खासियत मानो? किस बात का घमंड करे भाई, किस बात का? लोगों की वजह से तो यहाँ पहुंचे हैं यार, मेरे पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, चैन पर हूं सुनने की। किसकी वजह से? जो लोग वीडियो देखते हैं उनकी वजह से, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से है। किस चीज पे घमंड करेंगे यार, ये तो गाड़ी घोड़ा है, ये तो यही रह जाना है, ऊपर क्या लेके जाना है, खाली आ जाना है, जाना है। अभी पारो भाई चैन सुन भाई बस निकाल दी भाई वो, ये था आजकल डुप्लीकेट बहुत ज्यादा आने लगी मार्केट में। आपकी कौन सी थी? मेरे तो ओरिजिनल थी भाई, डुप्लीकेट डाली नहीं कभी, सुना रू मैं तो छोड़ डाली, शौक खत्म हो गए। जब इंसान कामयाब हो जाता है, मेहनत करता है, तो उसके सारे शौक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो अपने भी भाई शौक एक टाइम था, शौक पूरे कर लिए सारे, आजकल एक ही शौक है मेहनत का, वो कर रहे हैं, पार्टी घोड़ों का था वो पूरा कर लिया, बस अब तो कर रहे हैं टाइम। अब वो चैन है अब तो बेच दी, सुनार को उल्टी दे दी। क्यों बेचेंगे भाई, भगवान बहुत आशीर्वाद दे रहे हमारे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है, जब भी सब ठीक चलेगा इसका टाइम भी आ जाएगा, बेचनी पड़ जाए तो बेच भी देंगे भाई। सुनार के दौरे सुनना डबल हो सका, घटा नहीं करता भाई। अच्छा आप भी सुनार होगे? ना भाई जाट सुमत आप भी खाती आप सुनार हो जाट भाई। भाई मारा एक खासियत है, मारे गला मारे दौरे सभी कास्ट के बैठे हैं, जात पात नहीं, जात पात नहीं देखते भाई, सारा होना चाहिए, कोई भी जात का हो सब भाई अपने। जैसे हम कहीं बैठे हैं और नई जगह चले गए, वो हमारे पूछेगा ना के कास्ट है, मैं हिंदू। यह खासियत हमारे में राग जय श्री राम जी है। हां जब राम जी के भगत हम, हाथ पे टैटू, गाड़ी पे टैटू, भोलेनाथ की महादेव, अरे फोन पे टैटू, अरे भोला बाबा रे, भोला बाबा भी है चौकड़ा है, दिल में है वो तो। दिल में सारे भगवान दिल में हूँ तो। देखो है तो भगवान एक ही है। तो भगवान सब सब भगवान ना माना है, ऐसा कुछ नहीं अपना, सब भगवान। नहीं भाई जी आपने कहा हम तो रोड पर बैठ के रोटी खाई है, नौकरिया, सच्चाई बात है सारी, स्क्रिप्ट खातर भाई, गुमराह करने खातर भाई, सच्चाई बात है, झूठ तो क्या बोलेंगे यार। स्क्रिप्ट बनाना आसान है, पर भाई मेरी सच बात है, जो मेरे को पहले जानता ना पुराने टाइम में 2014 के बाद से, 14-15 में 13 में जब जानते थे लोग मेरे को, वो बता भी देंगे, जो इंटरव्यू लेने आए थे उनके कमेंट भी पढ़ लेना, लोगों ने बता रखा है भाई, झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा, भगवान की तरह सब कुछ है मेरे पास। रोड के सारे बैठ के कैसा रोटी खाई? स्टेशन पे। हाँ भाई ने खाई है, जो भाई नू करते ना स्क्रिप्ट है या रोटी खाई थी, तो भाई हमारी स्क्रिप्ट में एक गलती होगी, वो स्टेशन पर रोटी खाई थी रोड पर। क्या गलती है? क्या गलती होगी? क्या साल खाई स्टेशन पे? साल तो नहीं खाई, महीने खाई, नहीं तो महीने रहा था मैं। उसके बाद जो निक्की मैडम मम्मी जो मेरी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, उनको पता लग गया था मेरी हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा भाई, बच्चे की तरह रखा, अपने परिवार में गुला मिला के रखा भाई, इतना सपोर्ट किया। फिर मैंने भाई कुछ करके दिखाया लाइफ में। नहीं मैं भाई रोटी स्टेशन पर सोया खड़ा कर दे स्टेशन पर, या 5 स्टार में खाली नहीं पाओ था सुनती देखो पुराना टाइम ना किसी को भूलना नहीं चाहिए, पर मैं पुराना टाइम भूलता भी नहीं हूँ, वो टाइम सोच के मैं और आगे बढ़ने की सोचता हूँ। मैं उस टाइम पर सोचा कर दिया यार करूंगा कुछ ना कुछ, तो देखो स्टार्टिंग से करने का शौक था मेरे को, क्योंकि मैं पहले कोरियोग्राफर था, डांस का शौक था मुझे बहुत ज्यादा, मेरा सेंटर भी था ये, भाई भाई मिला था डांस सीखने आता था मेरे पास, फिर वहां से हमारी दोस्ती होगी 2014 से। नहीं ऐसे सो आया डी आई डी में नहीं गई, डांस में गया था मैं, टॉप 30 में आया था, वहाँ टीवी पे भी आया था टॉप 30। अच्छा अच्छा, डांस का तो बहुत शौक था, मैं जगह जगह ऑडिशन देने गया हूँ, पूना गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ। सक्सेस मिली डांस में? कुछ नहीं मिला, बचपन में शौक था, बचपन खत्म, शौक खत्म। अच्छा अच्छा, कौन सा डांस? रोबोटिक टाइप, हिप हॉप? सारे भाई सारे कर लिया करते अपना, ऐसा यो भाई उसमें वायरल था, वन एंड पंपिंग मारा करता, एक हाथ पर कई कई 100-150 मार दिया करता, मैं स्टंट ज्यादा करता था पहले, खतरनाक है, तभी तो शरीर ऐसा मेरा पतला। अब लोग बोलते हैं भाई प्रिंस भाई तू भरता क्यों नहीं, अब उनको क्या बताऊं, स्ट्रेचेबल बॉडी है, तू करता मुड़ जाओ कुकरे मुड़ जाओ, इस बात पर हमारा भी चौ उठा करा भाई, हमारा सबका पेट लगड़ गया, इसका लगड़ता यार।
राजी मारे जितना तो आना चाहिए टक्कर में यार। कितना वेट आप में कितना वेट है? मेरे में होगा 60-65 तो यार। और भाई प्रेस भाई अपने 75 होगा मेरे हिसाब से। मेरे में 60-65 तेरे में 75 से ज्यादा मेरे हड्डियों का वेट है भाई। 70 तो पाएगा जब जी में ना भाई। 70 तो मेरे उस टाइम। हां और आप में कितना भाई? भाई मेरे में 77 डेढ़ क्विंटल जरा आप 85 भाई सब मगना भाई में है। हां तो निक्की मैम से मिले तो भाई कैसा बर्ताव था उनका पहली बार? भाई बहुत बढ़िया था। स्टार्टिंग से उनको मेरी हिस्ट्री बता दी। उन्होंने मेरे को बोला कि प्रिंस तू मेहनत करे, तेरे को सपोर्ट हम करेंगे। तो भाई उन्होंने मेरे को बहुत मेहनत की। मैं मुंबई भी गया, गोरेगांव रह गया हूँ 6 महीने। वहाँ भी मैं कैमरे के पीछे ब्राउंड देखा भी है, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आया था मैं। फिर वहाँ पैसे भाई मुंबई में सिर्फ पैसे वाले की सुनवाई होती है। हाँ। पैसा देके भी काम बन जाए वो बहुत बड़ी बात है। नहीं जो एक्टर का भाई, मैं तो खाली जेब का 10 रुपए लेके वो खबर में तो नो कर दिया जाए ये करे। उस टाइम करे था ना जो किस टाइम गए थे वो स्वर्ग मूवी आई थी, गोविंदा गया था कैमरे लाट उठा कर था। एक दो बंदा तो निकलेगा ना यार। हमारी उसमें किस्मत नहीं थी, हमारी यहाँ किस्मत थी। यहाँ लिखा था यहाँ खा रहे मेहनत का। बंदे सोचा बंबई जाऊंगा भाई खाली जेब लेकर, मैं भी अमिताभ बच्चन बनवा सलमान खान बन सके। पाव भाजी भी नहीं मिला टाइम पर, सही बताऊं खाली वो भाई कुछ नहीं है। मुंबई हम भी अपने यहाँ मेहनत करते रहो, अपने माँ बापू की सेवा करो, अपने माँ बाप के पास रहो, इसका बड़ी कुछ नहीं है। बाहर जाओगे धक्के खा के अपना उल्टा घर आ जाओगे। थोड़ा कमा लो लेकिन घर रहो भाई। यूट्यूब पे मेहनत कर लो, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे मेहनत करो। बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग बोलते हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पर भाई अपना काम एक ही है लोगों को मोटिवेशन देना। भाई बहुत कुछ है यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, तुम मेहनत करो पक्का कामयाब हो जाओगे। बस पीछे मत हटना मेहनत से। आवाज को लेकर ट्रोलिंग हो कभी? बहुत सारे बोल देते हैं भाई कैसी आवाज है, मैंने कहा बहुत प्यारी आवाज है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता आवाज से यार, मेरे को अपने आप से प्यार है, मेरी आवाज से प्यार है मुझे। बाहर वाले कुछ बोले, जिसको मेरी आवाज पसंद है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसको पसंद नहीं है वो वीडियो नहीं देखते हैं। कमेंट आते हैं सॉन्ग ट्राई करें। हाँ गाने वाले नहीं यार, शौक नहीं है गाने वाले कभी भी नहीं। ना 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 सॉन्ग लिखने का शौक हो? ना 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 कुछ नहीं, अपना गाने सिंगिंग लाइन तो बहुत दूर है भाई। अपना वीडियो बना रहे हैं ये बहुत है। मतलब मैं चीज क्या क्या लिख सकते हैं? मैं सॉन्ग लिख सकूं, स्क्रिप्ट लिख सकूं या कुछ और चीज लिख सकूं? स्क्रिप्ट लिख सकता हूं तो उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं। 5-6 साल हो गए इस लाइन में, इस लाइन में एक्सपर्ट हो रहेगा कभी। नहीं चलो कोई बंदा स्क्रिप्ट दे दे भाई, यहां गाड़ी पर लिखनी भाई 100 डाकू भाई, इसी स्क्रिप्ट लिख दोगे 1 सेकंड में लिख देंगे दिमाग बहुत एंड टू एंड लिख देंगे। हां तो कोई टारगेट दे दे भाई, एक दिन 50 स्क्रिप्ट लिखनी लिख दोगे? 50 लिख के मरना थोड़ी है यार, जीना भी तो है। टारगेट दे दे भाई, थोड़ी है भाई 50 लिख के। ये तो भाई अपने खातिर लिख सके हैं, बेवकूफ की बातें हैं। तो खुद का सर कितने लिख सकते नॉर्मली एक दिन में? एक दिन में एक ही स्क्रिप्ट लिख सके हैं वो भी यार। देख लिखना 10 भी लिख देंगे फायदा क्या उनका, अब 10 को एक बना दो ना जनवन होनी चाहिए। तो अब स्क्रिप्ट लिखते हो, टीम में कितने बंदे हैं? टीम में तो भाई 40-50 बंदे हम। स्क्रिप्ट कौन लिखा, कौन है सारी मैनेज करे? सारे बैठ जावे जिसके दिमाग में जो आवे है उसने लिख ले कॉपी में पेन में जो भी फोन में ना दिमाग में बिठा ले। वैसे तो हम लिखा बहुत कम है, हम अपने दिमाग में डाल ले कि यह चीज करनी है वही चीज करते हैं। नहीं कोई टीम में भाई लड़कियां ज्यादा कहीं नुका भाई यार, इसके पास लड़कियां ना जाओ, ये तो ऐसा बंदा है। क्लियर कर दो भाई, उनकी सोच गलत है। सही है भाई, लोगों का तो काम है बोलने का यार, लड़कियां मत जाओ, जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा। अब हाथ पकड़ के मत लेके नहीं आऊंगा, क्यों भगवान की जैसे सब है, लोग आते भी है जाते भी है। सोशल मीडिया लाइन ऐसी है इसमें नए नए लोग जुड़ते हैं और नए नए लोग जाते भी है। तो भाई जो आएगा उसके लिए वेलकम है, जो जाएगा उसके लिए बाय है। नहीं कई लड़कियां नई नई काम करना चाहती है भाई, इंटरव्यू देख रहे हैं उनके माँ बाप, क्या मतलब है इसका? आपका पास सेफ है पूरी ग्राम? तो भाई बिल्कुल सेफ है, अपना घर जैसे माहौल है, मम्मी भी है घर, लड़की भी आवे, अब सेफ है। जब तो लड़की आवे और ना तो कोई ना आता है यार उनकी से घर। नहीं कई लड़कियां मैंने इंटरव्यू करे वो कह इस लाइन में ऊपर जाना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े सब गलत, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो कोई भी हो। ऐसा तो भाई मैंने नहीं सुनी ना, मैं किसी के बारे में गलत बोल सकता। अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो आओगा इज्जत का काम करेगा, जो जाओगा इज्जत का जाओगा। मुन भाई आप यूट्यूबर हो, आप क्या मानते हो इस चीज को, सही है गलत है? भाई सबका नजरिया अलग होया करे, ये बे कई है इसे जैसा आपने बताया कॉम्प्रोमाइज वाला पूरा धोरोगा भाई, वो सिस्टम मारे धोर नहीं है। अपना घर भर की बात है, सारी छोरी मारे घर आओ, मेरे घर आ, इसके घर, इसके घर सब जाना है। घर तक क्यूट बैठे, खाना पीना भी है घर में ही, तो अपने धोरा ऐसा कोई सीन नहीं है भाई जैसा आप बता रहे हो। आधी रात ना खाओ पियो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसी कोई दिक्कत है? रात ना लेट होगा कोई दूर तारा छोड़ के भी आवा भाई। अच्छा, और ना तो बंदे खुद आवे खुद जावे हैं, अगर ज्यादा दिक्कत हो फिर छोड़नी भी पड़े भाई। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई इसके बारे में? भाई सेम बात हमारी, हमारी चारा की मेहनत नु लगा ले 4-5 हम सारे की जो बात है वो सेम रहे। अगर भाई जिन लोगों के साथ गुस्से में रहेगी चारा ऐसा है
ना यो मारा एक नंबर भाई। तो आपका चेहरा देखने लगा साथ में हसमुख बंदा रहे यार। मैं तो हसमुख भाई हूं, थोड़ा मारे में काबिलियत वाला बंदा हूं। लग रहे जो भाई ऑलराउंडर है, इसमें कुछ काम करवा लूंगा। डेगा भाई का YouTube का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रिक का, कुछ भी करवा लो भाई। ऑलराउंडर प्लेयर हमारे। तो हम कहते खड़े कौन होंगे भाई जी? वो हूं भाई। इतने कौन खड़े हुए? अरे इतना क्यों, मतलब फिटिंग भी करिए लोग आएगा हम यार। फिर काम तो क्यों डर रहे हो भाई? थोड़ा ये भाई लेवल बदल गया भाई का, पैसे कमाया सिस्टम है भाई की। लेवल की बात के धूप में शूट करें पूरा बहुत एक मजाक वाली बात है। शूट करया करते पहले हमें ना धूप में ना शूट करया करते भाई। एक दो लीटर के ठंडे मेरे पेटीज में पूरा दिन काट रखा धूप में खड़े हो गए। नहीं प्रिंस भाई आप भी शूट करते हो धूप में? शूट करते रिटेट नहीं होंगे यार, कितना काम है भाई। रहने दे भाई काम यार, किसी की नौकरी का तो बढ़िया है, अपना कर रहे हैं। धूप लगेगी थोड़ी देर, छांव बैठ जाएंगे, करना तो धूप में है। ये घर बड़े बड़े थोड़ी वीडियो बनाए हैं। एक बंदा 5 साल बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर, आईपीएस की, आईएएस की, और 5 साल दे यूट्यूब में, कौन सा ज्यादा कमा होगा भाई? देख वो तो अगले की चॉइस है भाई, वो क्या चॉइस करेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब ने माना कि कुछ काम नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब ने बहुत चीज बहुत ऊपर भी माने हैं। तो भाई वो तो अगले की चॉइस है, वो गवर्नमेंट जॉब करेगा या यूट्यूब सोशल मीडिया करेगा। पर सोशल मीडिया भाई ये नहीं पता कितने टाइम का है, कब क्या बंद हो जाए। जैसे टिकटॉक बंद हो गया था, क्या पता कभी यूट्यूब बंद हो जाए, कभी इंस्टाग्राम, इसका कोई भरोसा नहीं है। यूट्यूब उसका बंद या मानो आप चीज भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? टिकटॉक की उम्मीद थी किसी ने, पबजी की उम्मीद थी, पबजी बंद हो जाएगा, वो भी हो गए थे। इनका कोई सोशल मीडिया है तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन है कितने दिन नहीं है। आप क्या मानते हैं, यूट्यूब भी बंद हो गया, फेसबुक भी, इंस्टा भी, आप क्या करोगे? तो मैं अपना बिजनेस करेंगे, उसे ढाबा वाबा करेंगे, ढाबा प्रिंस भाई का ढाबा। हाँ प्रिंस का ढाबा, यूपी से इतने कमाए रहे बाप ने, जरूरत नहीं ढाबे की। हाँ भाई काम तो 100 साल आराम तो बैठ के खाए इसको। नहीं भाई 100 साल खाते तो फिर मैं धूबा थोड़ी खड़ा होता रहेगा। पैसा तो ऐसी चीज है भाई, कितना कमा ले उतना थोड़ा है, और आदमी की भूख मिटती नहीं भाई पैसे की। तो आप मतलब बंद पर के बंदे कैसे भाई, पैसा आने जाने की चीज है, मार पर के तो कह नहीं सकते ना भाई। आने मुश्किल है, जाने आसान है। हाथ का मैल है, पैसा तो कोई दिखते नहीं ना भाई। हाथ का मैल नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़े, पैसे का अंतर पड़े, बहुत मेहनत है। 50-100 रुपए कमाए आपने, 1.5 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ रुपए कमा महीने के, कैसा महसूस हुआ भाई? महीने के 50 करोड़ 20 करोड़ तो नहीं कमाते, बस घर चल रहा है, ये कमावे है, बाकी मेहनत बहुत करे लाइफ में। न्यूज़पेपर भी डाले, रेडी भी लगाई है भाई, ब्याह में लाइट बिठाई है, पैसे भी चुक गया ब्याह में, बहुत सारी मेहनत करी है। लोग तो बोल देते हैं भाई आज प्रिंस के पास गाड़ी है, 3-3 गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। अरे भाई उसमें ये देखो कितने साल की मेहनत कर रहा है वो बंदा। मैंने बहुत मेहनत करी है यार, नहीं पैसे को लूटे उड़ा दिए, उठा के भाज गए भाज के, और भी चुकने थे ना। कितने उठा लेते आज आया करते 110, 120, 150 करते जाना अपने जो पैसे लुटा करते उस टाइम मैंने के मेरा किसका ब्याह है मैंने के जाने ना भाई दूसरे मोहल्ले में ठाया करते ताकि अपने मोहल्ले ना भाई मैंने तो नहीं ठाए बाकी भाई ने ठाए हैं पीछे के क्या करते मैंने शादी में 100 रुपये उठा लिया फिर क्या काम आ रहा खाने की तैयार शौक तो थे ही नहीं खान पीन के रखा करता काम आ जाया करते कपड़े लिया करता क्यों डांस का शौक था नए नए कपड़े पहनने का शौक था वेस्ट कुछ नहीं करा सारा उस पर लगाया काम धंधे मेहनत पे आज शर्मा हो यार कड़े रपी उठा कर आज शर्म क्यों आओगी भाई वो हालात थे घर के मेरे आज भगवान की सब कुछ है बुरा टाइम था यार वो भी उसमें कुछ अच्छा ही होगी तभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ कभी मन में चला आज भी यार मुंह पर रुमाल पहन का चालू है मैं लूट लू 50-60 रुपये काम किसी शर्म नहीं है क्या फर्क पड़े मारे शर्म नहीं है यार शर्म तो है ही नहीं शर्म नाम की चीज जिसने करी शर्म उसके फुटे करो रुपये तो मारने लग रही है तो शादी भी हुई आपकी भाभी जी का क्या नाम है शादी ना हुई भाई शादी होगी तो बताऊंगा भाभी जी का नाम क्या है वैसे ही दे दो क्या नाम एक का बता दे दूसरी मत बताइए नाम का पहला अक्षर क्या है कुछ नहीं है भाई ऐसे काम ही नहीं है अपने पास आप बता दो भाई भाई मम्मा ना खुद नहीं बेरा यार बेरा होता बताए ना दूर यार सिर्फ अपना काम धंधे का मतलब है कोई एक्स्ट्रा बात का मतलब ही नहीं है हम फालतू बात करते नहीं यार मतलब आप तो नहीं कह रहा लेकिन जो ये अंड फंड की बात है ना ब्याह भी वाली छोरी छारी इस मैटर में नहीं पड़ते भाई आप होगा तो ब्याह हो जाएगा भाई यार ब्याह होगा तो इंटरव्यू भी देना होगा तेरे पास स्पेशल लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करूंगा भाई मतलब निक्की मैम की मर्जी तक इस पर आदर देगी मम्मी उस पे उससे ब्याह कर लूंगा चाहे वो कैसी भी लड़की हो काली गोरी लंगड़ी लुल्ली बस ये हो इज्जत करती हो घर वालों की और कहना माने बस तो भाई जी धूप भी बहुत हो रही मेरा आखिरी क्वेश्चन है 3 यूट्यूबर्स के नाम लूंगा जो मन में वो बताना है ठीक है तो माही लाकड़ा भाई बढ़िया लड़की है बढ़िया मेहनत कर रही है काम भी करा साथ में नीचे लोग एक बात है भाई बंदे वायरल हो जाए हैं लड़कियां हो जाए लेकिन बाद में वीडियो आवा जैसे कई आपकी आपने भी देखी होंगी हरियाणा की भी कई मॉडल की वीडियो आओ भाई तो क्या मानते हैं चीजें कैसे होती है उनके साथ भाई इस बारे में अपना कुछ मतलब नहीं है ना हमने बेरा ना हम कुछ कह सकते हैं
वो भाई पता नहीं कैसे होती है कैसे नहीं होती है भाई, उस बात का कोई अपना लेना देना नहीं इन बातों का। इन 10-10 मिलियन वाली लड़कियां यार उनकी भी आ रही है ऐसी, क्या मानती हो भाई? पता नहीं भाई, बदनाम भी तो कर देना वायरल होने के बाद। ए आई ऐसी चीज चल रही है भाई, ए आई के थ्रू के भरा क्यों जा भाई, फेक काम भी तो है ब्लैकमेल करने के लिए भाई। ए आई से वीडियो बना ली डाल दी सोशल मीडिया पे, लड़की का नाम बदनाम हो जाएगा और सोचेंगे यार बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल सोशल मीडिया पे तो इन चीजों को लेकर। तो सेकंड है तेल का प्रैंक भाई, बढ़िया है, बहुत सेवा करें भाई भाई गरीबों की, उस भाई को देख के मोटिवेशन भी मिलता है, हम भी करते हैं जितनी हमसे होती है हेल्प। आप जाओगे बिग बॉस में? भाई ना अपना कोई मतलब नहीं, ऑफर तो आया हुआ? ना 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 ऑफर आफर कुछ नहीं आया भाई, झूठ बोल दूं, मेरे तरफ ऑफर आया था, ऐसा तो ऑफर आता तो मैं जाता, पर अभी तक तो कोई विचार नहीं जाने का। एक ऑफर पहला तो अपनी माँ ने भेजू बिग बॉस में, आपने जाओगे? ना कभी भी नहीं, मतलब विचार नहीं अभी, अगर मेरा जाने का ऑप्शन आया तो पहले मैं मम्मी को भेजूंगा। तो तीसरा है अलविश यादव भाई, वो तो भाई उसकी तो कोई होड़ी नहीं है, वो तो अलग ही ब्रांड है, आपसे ऊपर है वो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, सबसे ऊपर है, मतलब मेरी नजर में सबसे ऊपर बंदा है भाई, बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत तब यहाँ तक पहुंचे हैं। और लोग क्या करते हैं भाई, जब नाम हो जाता ना उसको नीचे खींचने की सोचते हैं। आप कह रहे थे भाई सांप सूप का, वो तो भाई कहते हैं नाम होता है तो बदनाम भी होता है, बदनाम होता है तो आबाद भी होता है, आबाद भी होता है। आप पे कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 3 है भाई, 4 थी वैसे, एक एक्सीडेंट हो गया था वो मैंने बेच दी थी, ये पोर्शे, टॉप फॉर्च्यूनर, टॉप स्कॉर्पियो। तो भाई आपकी पोल कब खोलेंगे भाई? रिंच तो रेंट पर गाड़ी ले आकर दे क्रिया करता है, कब खोले भाई जी पोल? इब्बा खोल दो भाई, ले रहा होगा तो हाँ, जब ले नहीं रखे अपन ही है भाई के किसी शर्म। भाई ये बोलता ना रेंट पे गाड़ी, भाई रेंट पे गाड़ी ऐसे नहीं आती, रेंट पे गाड़ी लाने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर आप रेंट पे गाड़ी लेने जाओगे इसकी सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी जमा कराने के लिए तो पैसा चाहिए, पूरी कीमत देनी पड़े भाई। पहला 1.5 करोड़ की गाड़ी है, इसका रेंट कितना होगा महीने से? रेंट भी सोचो ना कितना भाई, रेंट पे लाने के लिए भी जिगरा चाहिए। पर मैंने रेंट पे नहीं ले रखी, अधिकतर यूट्यूबर ऐसे जिन्होंने अपनी पर्सनल ले रखी है, ये तो लोगों ने बात बना रखी है कंटेंट के लिए, गाड़ी ले ली ये ले लिया वो ले लिया, ना मैं व्लॉग बनाता, अपना गाड़ी शौक के लिए ले रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहोगे अंत में, जो प्यार करते हैं लड़कियां प्यार करते हैं उनको कहना? मत करो प्यार, कुछ नहीं है प्यार व्यार में, अपना मेहनत करो, काम करो। बाकी लड़कों को मैं ये बोलूंगा भाई, लाइफ में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत घूमना फिरना ये यहीं का यही रह जाएगा, यही टाइम है कुछ करने का। अगर तुम कर जाओगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे भाई। नहीं कई लड़कियों ने आपकी फोटोग्राफर दिखा रखी है, मैं इससे शादी करूँ, घर वालों को क्या कहोगे? राम राम। आप क्या कहना चाहोगे भाई? रनू कहते गलती होगी अगली बार आवा 50 करोड़ रुपए गाड़ी आपके पास भाई, 50 करोड़ गाड़ी तो लेनी, गाड़ी का शौक हुआ खत्म खत्म, सब चीज नहीं लेना कुछ भी, तो बस मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस यही है। तो पिस्सा कमाना है वो भी? हाँ यही टाइम है, कमा लिया ब्याह के बाद तो कहा कमा पाऊँ यार, बड़ा खाना खिलाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, बहुत कुछ सीखने मिले आपसे। बस भाई आपसे भी बहुत कुछ मिला, आप आए, आपका धन्यवाद, और भगवान करे भाई आप बहुत ऊपर जाओ, हमारा तो यही है। बाकी भाई भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, हिसार से स्पेशल चल के आए गर्मी में भाई, इंटरव्यू लेने भाई सपोर्ट किया करो यार, चाहे कोई भी हो, चाहे 1 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर हो, सबको सपोर्ट किया करो, मेहनत सब करते हैं। आपको लगता है वीडियो बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगती है भाई, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, जब धूप में खड़े हो गए ना जब पता लगता है कितनी मेहनत करते हैं। तो भाई भाई के चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना इस इंटरव्यू पे। तो थैंक यू आपका पूरी वीडियो को देखने का, वीडियो को सा पार्ट बढ़िया लगे नीचे कमेंट करके जरूर बता दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हरियाणा, जय हरियाणा।